फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगी। और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को बोलने कि कपड़ा सिलो, और मैं बोल भी चुकी हूँ कि मैं आप लोग अभी आप मम्मी सिल रही है पिलो कवर, क्योंकि उसे तो मम्मी को तो देखिए पिलो कवर ये हमारा दोनों साइड का ना, ये इस तरह से खुल गया है इसलिए मम्मा सिल रही है। और बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट, क्योंकि मैं ना शाम ही को पढ़ाई कर ली थी इसलिए मुझे छुट्टी मिल गई। अब तो मैं मस्ती कर रही हूँ। अब तो मैं हमेशा मम्मी को बोलूँगी कि शाम ही को पढ़ा दे। और अभी ना नाइट हो रहा है, मैं ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखिए खिड़की से देखिए अंधेरा, तो नाइट के समय सिल रही हूँ। और ऐसे तो बोला जाता है कि नाइट में कपड़े वगैरह नहीं सिलने, पर जब टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ। ना मैं ये सब छोड़ लग गया था, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना कि नमक वगैरह हाथ में नहीं देना चाहिए या फिर मिर्ची नहीं देना चाहिए, तो लड़ाई मिर्ची देने से हाथ में या फिर नमक देने से लड़ाई होता है या बहुत सारे ऐसे बातें हैं, तो मैं ये सब उतना नहीं मानती हूँ। क्योंकि अगर लड़ाई होना रहता तो ऐसे भी हो ही जाता है। आप हाथ में मिर्ची दो या फिर नमक दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब मुझे बेकार की बातें लगती है। और उतना और मुझे भी लगती है बेकार। नाइट में झाड़ू वगैरह भी नहीं करना चाहिए, तो मैं ये सब मानती हूँ पर उतना नहीं। क्योंकि अगर घर काफी गंदा रहता है तो झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, या तो फिर कपड़े से भी, मतलब कपड़े से भी समेट लेती हूँ और कचरे को। तो ये सब मैं अगर पूजा करना रहेगा तो कपड़ा उपड़ा तो समेटना ही ना पड़ता है घर को, इसलिए मैं मम्मी मेरा मानना है ना कि ये सब आदमी अपने आप में सही रहे, ये सब तो नियम है जो कि है कहने के लिए। क्योंकि यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में और बनाऊंगी बेसन की गट्टे वाली सब्जी। और ये रहा बेसन, इसमें डालूंगी नमक और लहसुन, मिर्च और जीरा गोलकी का पेस्ट। तो थोड़ा सा मसाला डालने से ना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि बिना हल्दी के खाना कंप्लीट नहीं होता। और ये है रिफाइंड ऑयल, तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद थोड़ा सा पानी के हेल्प से इसको बिल्कुल आटे की तरह जैसे होता है ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से लंबा करेंगे रोल टाइप का। तो बस बेसन को इस तरह से हमें अच्छे से कर लेना है। और इस तरह से देखिए मैं कर लूँगी। और मैंने ना पानी भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि इसको हम गर्म पानी में बॉईल करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लंबी लंबी हमने बना दिया है। और बस गर्म पानी हो गया है तो इसमें डाल देंगे और इसको ढक देंगे। और ढकने के और इधर मैं मसाला भी निकाल लेती हूँ। तो मसाले में मैंने लिया है 2 टमाटर, जीरा गोल की, लहसुन, मिर्च और 1 प्याज। तो इसमें ना टमाटर से ये अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 टमाटर डाल रही हूँ। और ये देखिए बेसन में कुछ ना दाने दाने टाइप के उठने लगते हैं, तो ये हो चुका है हमारा। तो इस तरह से दिखे तो समझ जाइए कि हो चुका है। और इसको निकालने के बाद इस तरह से हमें कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से पीस पीस बना के हमें गोल गोल कट कर देना है। और यहाँ पे मैंने इसको हमें करना है फ्राई, तो तेल चढ़ा दिया है मैंने। और तेल में से हम करेंगे अच्छे से लाल, जैसे लाल करके पूरा उतारेंगे, क्योंकि ये लाल करके बनाने से अच्छा लगता है। और बस ये मैंने पहले डाला तेल, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर प्याज। और उसके बाद जो मसाले जो भी मैंने आपको दिखाया था वही मसाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना मेरा तेल ज़्यादा हो गया, क्योंकि लाइट ना कट गई थी तो इससे थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया। वैसे मैं इतना तेल नहीं डालती हूँ। और बस इसको डाल करके फिर जिस तरह सब्जी बनाते भून देना है। और यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डालूँगी चिकन मसाला, और ये सब्जी तो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ धनिया पत्ती। और बस इसे हम थोड़ी सी गाढ़ी होगी तो उतार देंगे। तो इसे ना हम इसी तरह उतारेंगे, और ये ना थोड़ी देर बाद ना बहुत और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इस तरह से हमें इसे उतार देना है। और ये सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसे बोलते हैं बेसन की गट्टे वाली सब्जी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने कभी नहीं बनाया है। तो बस ये थोड़ा सा ना दिन में पानी आ रहा था, तो मैं छत पर गई थी कपड़े उतारने के लिए। तो बस कपड़े यहाँ पर मैं ले लूँगी। और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।